गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी तो कर ही रहे हैं। आज का सेशन भी हम लोग कुछ मॉक क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। एक 50 क्वेश्चंस की सीरीज है, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी प्रॉपरली विजिबल है। गुड इवनिंग श्रीदेवी जी, हेलो। गुड इवनिंग तुनेश्वर जी, आप सभी लोग जो चैट में गुड इवनिंग कह रहे हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। और जो सेशन में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जैसे कि देख रहे हैं, जनरल बैंकिंग पर ही आज हमारा सेशन रहेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम्स के लिए बैंकिंग से रिलेटेड। आज का सेशन भी कुछ इसी प्रकार होगा कि आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, चैट में आप फटाफट आंसर दीजिएगा। और ऐसे ही हम आज काफी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो रीड थ्रू करेंगे और आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, आई होप आप सभी तैयार हैं आज के सेशन में। अब मैं पहला प्रश्न लेके आने वाली हूँ आपके सामने। नमस्ते सोमदत्त जी, मेरा फ्रीज हो गया है फिर से। आपसे निवेदन है योगेंद्र जी, आप प्लीज स्क्रीन पे कुछ भी प्रेस मत कीजिए, आपने कुछ ड्रॉ कर दिया है इसको। या तो अगर आप रिमूव कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज मुझे दोबारा से शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन। चलिए, अब पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, सभी तैयार हो जाइए, चैट में फटाफट आंसर दीजिएगा। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि मिस्टर मिस्टर एक्स हु वांट्स टू टेक अ डीडी ऑफ ₹10,000 फ्रॉम आर दिल्ली ब्रांच, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ पेई और पेमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास नहीं है, तो आप ओपन एंड क्वेश्चन है, आप अपने पास से बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि जब भी एक्स अगर पेमेंट करना चाह रहे हैं 10,000 का दिल्ली ब्रांच से, तो वो क्या चीजें हैं जो कि नहीं कर सकते। थोड़ा सा ओपन एंड क्वेश्चन है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुड नॉट कैन नॉट बी पेड इन कैश, परमिता जी कह रही हैं। ठीक है, आप लोगों को आप अपने वर्ड्स में भी बता सकते हैं कि जो भी आपका आपको लगता है सही जवाब होना चाहिए वो आप चैट में बता सकते हैं। चलिए, और बाकी लोगों को क्या लगता है फटाफट बताइएगा। कैन नॉट बी पेड इन कैश, नितिन जी का भी यही कहना है कि डीडी को आप कैश में नहीं पे कर सकते। चलिए ठीक है, पहला ही प्रश्न है तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं थे तो ये आंसर जो है ये भी बड़ा ही नॉट वैलिड लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को जाने देते हैं। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि अगर डीडी है तो उसका पेमेंट कैश में नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही जवाब है। आप डीडी है तो यू कैन नॉट पे इन कैश। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड था तो इसको जाने देते हैं। योगेंद्र प्रताप जी, मैं आपको फिर से स्क्रीन पे देख रही हूँ, कुछ भी आइकन्स आप क्लिक मत कीजिए, आपका भी टाइम इसमें जाएगा और मुझे भी बार बार स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए। इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज डिसाइडेड बाय, इंटरेस्ट रेट अगर सेविंग डिपॉजिट पर देना है तो वो कौन डिसाइड करेगा क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। पारोमिता जी, चंदन जी कह रहे हैं बैंक डिसाइड करता है। सोमदत्त जी का कहना है बोर्ड ऑफ बैंक करता है। तुनेश्वर जी कह रहे हैं बैंक करता है। बाकी लोगों को क्या लगता है फटाफट बताइए, इंटरेस्ट जो है सेविंग डिपॉजिट्स का वो कौन डिसाइड, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, ये आपको बताना है। बोर्ड ऑफ द बैंक और बैंक, ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, नीरज जी का कहना है एल्को। बाकी नितिन जी कह रहे हैं कि बैंक डिसाइड करता है कि व्हाट शुड बी द सेविंग डिपॉजिट का। चलिए देख लेते हैं आखिर इसका जवाब क्या होना चाहिए। बैंक्स जो इंडिविजुअली हैं, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं बैंक्स या इंडिविजुअली बैंक्स, वो डिसाइड करते हैं कि आखिर आपका सेविंग इंटरेस्ट, सेविंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। चलिए, वेरी वेल डन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। रिलेशन ऑफ बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ गैमिशी ऑर्डर्स, आपको बताना है क्या रिलेशन होता है एक बैंक और कस्टमर का इस केस में। डेटर एंड जजमेंट, ठीक है, डेटर एंड जजमेंट, डेटर, ओके, आप सभी का यही मानना है, सभी लोग कह रहे हैं डेटर एंड जजमेंट डेटर। ठीक है, तो
तो जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं डेटर एंड जजमेंट डेटर, तो ये लगभग सही जवाब है। डेटर और क्रेडिटर का ही रिलेशनशिप रहता है, जैसे कि आपने कहा है जजमेंट डेटर आप लोग का कहना है, तो सही बात है। गैमिशी ऑर्डर्स की बात हो रही है, तो सही जवाब, वेरी वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज हैज रिलीज रिपोर्ट टाइटल्ड एज फ्रेमवर्क फॉर रिवाइटलाइजिंग डिस्ट्रेस एसेट इन इकोनॉमी, इन इकोनॉमिक गाइडलाइंस एंड जॉइंट लेंडर्स एंड करेक्टिव एक्शन प्लान्स। कौन सी एंटिटी ने कहा है आपको बताना है, जिन्होंने रिलीज किया है फ्रेमवर्क फॉर रिवाइटलाइजिंग डिस्ट्रेस्ड एसेट्स। यहाँ पे आपको उस एंटिटी का नाम बताना है। आरबीआई, सोमनाथ जी कह रहे हैं कि आरबीआई एंटिटी, आरबीआई ने ऐसा रिलीज किया है रिपोर्ट, फ्रेमवर्क रिपोर्ट का नाम है फ्रेमवर्क फॉर रिवाइटलाइजिंग डिस्ट्रेस्ड एसेट इन इकोनॉमी। ठीक है, अभी तक एक ही जवाब आया। हम लगभग कुछ कुछ समय लेके चलते हैं, 30 सेकेंड्स का होपफुली, ताकि सभी लोग जो हैं वो जवाब दे पाए। आरबीआई और सरफेसी एक्ट, आप लोगों का ये मानना है कि या तो आरबीआई या फिर सरफेसी एक्ट। चलिए ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं सही जवाब जो हमारा क्या है। आरबीआई, जैसे कि आप सभी ने कहा है, सोमदत्त जी और भी दो चार जो हमारे साथी जिन्होंने आरबीआई कहा, बिल्कुल सही जवाब है। आरबीआई ने रिलीज किया है रिपोर्ट जिसका टाइटल है फ्रेमवर्क फॉर रिवाइटलाइजिंग डिस्ट्रेस्ड एसेट इन इकोनॉमी, जो कि एक गाइडलाइन है ऑन जॉइंट लेंडर्स एंड करेक्टिव एक्शन प्लान पर। तो यहाँ पर आरबीआई जो है वो सही जवाब है, जैसे कि आप में से काफी सारे लोगों ने कहा, तो वेरी वेल डन, करेक्ट आंसर इज आरबीआई। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इफ टाइम इज नॉट मेंशनड ऑन अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हेन इट विल बी पेबल। अगर टाइम नहीं मेंशन किया गया है आपके प्रॉमिसरी नोट पर या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर, तो वो कब पेबल होगा, उसका पेबल पीरियड क्या रहेगा। ऑन डिमांड, चंदन जी का कहना है ऑन डिमांड। आप लोग भी फटाफट इस सेशन को पार्टिसिपेटिव बनाइए, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है नहीं, और जो सेशन है काफी थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी बने। ऑन डिमांड आप में से एक साथी कह रहे हैं कि विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है, और बाकी लोगों को क्या लगता है ऑन डिमांड। तनेश्वर जी, लोकेश कुमार जी कह रहे हैं कि ऑन डिमांड पेबल होगा अगर टाइम मेंशन नहीं होगा तो। ठीक है, और ऐसा और कोई है जिसके पास और कोई भी जवाब हो। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स चंदन जी ने कहा है, ऑन डिमांड सोमनाथ जी, ऑन डिमांड अजय कुमार जी, दिनेश्वर जी, लोकेश जी, वन प्लस इन प्रमोद जी, आप सभी का कहना है ऑन डिमांड। ठीक है, वेरी वेल डन, राइट आंसर इज ऑन डिमांड। अगर उसमें टाइम पेबल नहीं है तो आप उसको ऑन डिमांड जो है पे करेंगे। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया है, एन अकाउंट बिकम इन ऑपरेटिव व्हेन देयर आर नो क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शंस फॉर हाउ मेनी डेज और पीरियड। एक अकाउंट इन ऑपरेटिव कब हो जाएगा, जब कितने दिनों तक उसमें क्रेडिट ना डेबिट ट्रांजेक्शन हो। सोमनाथ जी, प्रमोद जी, पारमिता जी कह रहे हैं 2 ईयर्स, चंदन जी ने भी कहा है 2 ईयर्स, दुनेश्वर जी कह रहे हैं 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, आशीष जी, आप सभी लोग कह रहे हैं 2 ईयर्स। चलिए 30 सेकेंड का विंडो रखते हैं, सभी लोग कोशिश कीजिए कि आंसर टाइप करके भेजें, सो दैट मुझे पता चलता रहे आप लोग अटेंटिव हैं सेशन में। लोकेश जी का भी कहना है 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ईयर्स या मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल जी, यहाँ पे लॉक का तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑप्शंस ही नहीं है, आप लोग खुद ही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस हैं आज, और आप लोग आंसर्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर यस 2 ईयर्स इज द राइट आंसर, वेरी वेल डन, सभी ने दिया है सही जवाब। आपको बताना है व्हाट इज व्हाइट प्लास्टिक, न्यू क्वेश्चन आ गया है सामने आपके, पूछ रहा है कि व्हाइट प्लास्टिक आखिर क्या चीज है, तो बताइए व्हाट इज व्हाइट प्लास्टिक आपके हिसाब से। क्रेडिट कार्ड, ठीक है, प्रमोद जी कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड है, बाकी लोग बताइए क्या लगता है आपको। एटीएम, दिनेश्वर जी कह रहे हैं एटीएम को कह सकते हैं व्हाइट प्लास्टिक, सोमनाथ जी कह रहे हैं नो आइडिया, तो अजय कुमार जी कह रहे हैं डेबिट कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उनका कहना है। ठीक है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन होगा कुछ कुछ लोगों के लिए, तो यहाँ पर जो काउंटरफीट कार्ड रहता है, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं ओम प्रकाश जी भी आंसर, काउंटरफीट कार्ड्स को व्हाइट प्लास्टिक कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा काउंटरफीट कार्ड्स आर व्हाइट प्लास्टिक।
चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। आज हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं। आप लोग जवाब भी दीजिए फटाफट, सेकंड्स रॉकेट स्पीड जैसे आप लोग देते हैं। यू हैव सैंक्शनड अ ट्रक लोड, व्हाट टाइप ऑफ चेंज विल बी क्रिएटेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ट्रक। आपने एक ट्रक लोन दिया है, तो क्या किस टाइप का चार्ज जो होगा वो क्रिएट होगा सिक्योरिटी ऑफ ट्रक पे। तो यहाँ पर सोमदास जी ने कह दिया है हाइपोथेटिकेशन, ठीक है। चंदन जी और ओम प्रकाश जी, लोकेश जी का भी कहना है हाइपोथेटिकेशन का चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। हाइपो हाइपो शिखर जी, अजय जी, ठीक है। भरत बेट जी और एक जो हमारे साथ वन प्लस के नाम से जुड़े हैं, उनका भी यही कहना है कि हाइपोथेटिकेशन का चार्ज जो है क्रिएट होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है, अगर आपने कोई ट्रक लोन दिया है तो सिक्योरिटी पर उसके वो टाइप ऑफ सिक्योर चार्ज होगा हाइपोथेटिकेशन। फुल मार्क्स, बिल्कुल सही जवाब। व्हाट इज द रोल ऑफ नॉमिनी इन टर्म डिपॉजिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि नॉमिनी का रोल क्या है टर्म डिपॉजिट में, तो बताइए फटाफट। जी, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉमिनी इन टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट में जो नॉमिनी है उसका क्या रोल है आपको बताना है। ट्रस्टी, सोमदर जी कह रहे हैं ट्रस्टी है वो, ट्रस्टी ऑफ लीगल हायर। चंदन जी ने कहा है कि ट्रस्टी है, जो भी लीगल हायर है उसका ट्रस्टी होता है नॉमिनी टर्म डिपॉजिट के केस में, ट्रस्टी ट्रस्टी। ओके, शेखर जी का भी ये कहना है और अजय कुमार जी का भी। प्रमोद जी कह रहे हैं ट्रस्टी, ओनली ट्रस्टी, ट्रस्टी ऑफ लीगल हायर, ट्रस्टी। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आप लोग दे रहे हैं, ट्रस्टी ऑफ लीगल हायर इज द राइट आंसर। जो नॉमिनी है वो टर्म टर्म डिपॉजिट के केस में उसका रोल होगा एक ट्रस्टी का, लीगल जो भी हायर है उसका ट्रस्टी होगा। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स हैं इस क्वेश्चन में भी आप सभी को। चलिए, वेरी वेल डन। एज पर फेमा 1999, बैंक्स विच कैन हैंडल फॉरेक्स ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड। फेमा 99 के हिसाब से कौन से बैंक, वो बैंक जो फॉरेक्स 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 ट्रांजेक्शन हैंडल कर लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। एडी, सोमनाथ जी का कहना है एडी। ओके, बाकी लोग भी फटाफट बताइए, बैंक्स विच कैन हैंडल फॉरेक्स ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड व्हाट, को क्या कहा जाएगा। ऐसे बैंक्स जो कि फॉरेक्स ऑप्शंस नहीं है, ये ओपन एंड क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आप आंसर्स दे सकते हैं अपनी वर्ड्स में दे सकते हैं, जो दिमाग में ख्याल आए उस पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथराइज डीलर कहा जाएगा, अगर वो बैंक्स जो कि फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस को हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उसको फेमा 1999 के हिसाब से ऑथराइज डीलर के नाम से जाना जाएगा। चलिए, सोमनाथ जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। व्हाट इज द टाइप लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक इन बैंक गारंटी। किस टाइप की लाइबिलिटी होती है बैंक की जब बैंक गारंटी देता है। बैंक गारंटी के केस में व्हाट टाइप ऑफ लाइबिलिटी इज ऑफ अ बैंक, ये आपको बताना है। श्योरिटी, ठीक है। कंटिंजेंट कह रहे हैं विजय जी, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज कह रहे हैं सोमनाथ जी, अजय जी भी कह रहे हैं कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है। बाकी लोग भी बताइए फटाफट, सिर्फ हम लोग 30 प्लस लोग हैं आज के सेशन में और सिर्फ 10 लोग आंसर्स दे रहे हैं। क्या सिर्फ 10 लोग को जवाब आता है या फिर 10 लोग सिर्फ क्वेश्चंस देख पा रहे हैं। दिनेश्वर जी कह रहे हैं श्योरिटी, प्रमोद जी कह रहे हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज वन प्लस की तरफ से भी आंसर आया है, यहाँ पर जो सही जवाब है कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। जब भी बैंक गारंटी देता है तो उस पर कंटिंजेंट लाइबिलिटी बनती है। चलिए, वेरी वेल डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ऑप्शन तो है नहीं, आपको कोई भी स्ट्रेंथ बतानी है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, क्योंकि ये क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन है, तो फॉलोइंग तो ऑप्शंस है नहीं, तो आप बता सकते हैं कि क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो रहते हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। सेविंग प्रमोशन, अजय कुमार जी का कहना है। थोड़ा सा जी, सुपर प्रॉफिट ओरिएंटेशन जो है
ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्ट्रेंथ नहीं होता एक तरीके से, जो भी सुपर प्रॉफिट ओरिएंटेशन होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बिना ऑप्शन के करने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो इसलिए हम जल्दी से आंसर पे आ गए। चलिए, यहाँ पर सब्सिडी प्रॉफिट ओरिएंटेशन, अगर यहाँ पे चार पांच आंसर्स ऑप्शंस होते तो आपको जरूर फटाफट आंसर आप बता देते, बट नो प्रॉब्लम। चलिए ना अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी टू क्रिएट सिक्योरिटी फॉर अ डेट इज कॉल्ड। जब भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे? चंदन जी कह रहे हैं चार्ज, और मॉर्टगेज कह रहे हैं प्रमोद जी, अजय कुमार जी भी कह रहे हैं कि मॉर्टगेज होगा, ओम प्रकाश जी भी कह रहे हैं मॉर्टगेज कहा जाएगा उसे। मॉर्टगेज 1+ की तरफ से भी आ रहा है। आशीष जी, मोहन जी, आप लोग का भी कहना है कि मॉर्टगेज कहलाएगा। दिनेश्वर जी भी कह रहे हैं मॉर्टगेज। और कोई है जो मॉर्टगेज से असहमत होता है, कोई और ऑप्शन के साथ जाना चाहता है? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का सही है, मॉर्टगेज इज द राइट आंसर। जैसे आप सभी ने कहा, अगर जब भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए एक डेब्ट में, एक लोन, तो स्पेसिफिक मूवेबल एसेट में इसे मॉर्टगेज कहा जाएगा। चलिए, अ बैंक कैन नॉट ग्रांट लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ विच टाइप ऑफ शेयर्स। बैंक कौन से टाइप के शेयर्स में सिक्योरिटी लोन जो है नहीं ग्रांट करती, सिक्योरिटी भी लेकर? ओन शेयर्स, ठीक है। सोमनाथ जी, राहुल जी का कहना है ओन शेयर्स, जो शेयर्स ओन किए गए हो उनके उनके केस में नहीं करती। ओनर के शेयर, ठीक है। सेल्फ, खुद के शेयर्स के केस में भी ऐसा आपका कहना है? ठीक है, ओनर शेयर्स, ओनर के शेयर्स के बारे में आप लोग कह रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, ओन शेयर्स जो रहते हैं उस बैंक उसके बदले, उस अगेंस्ट सिक्योरिटी, ओन शेयर्स, बैंक के नॉट ग्रांट लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ ओन शेयर्स। तो खुद के शेयर्स के केस में, जैसे कि आप सभी ने कहा, बैंक जो है लोन नहीं ग्रांट करती, नहीं देती है। वेरी वेल डन, सभी ने दिया है फिर से सही जवाब, बहुत ही अच्छा। व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप लोग अपने शब्द में बता सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन से आप लोग क्या समझते हैं? बैंकिंग फॉर एवरीवन, राहुल जी ने काफी अच्छे शॉर्ट उसमें सम अप किया है कि बैंकिंग फॉर एवरीवन। बाकी लोग भी अपने वर्ड्स में आप लोग कुछ आंसर दे सकते हैं, फिर हम लोग वी विल मूव ऑन। ठीक है, बैंक फॉर वीकर सेक्शन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंकिंग फॉर एवरीवन, ओके, कनेक्टिंग एवरीवन विद बैंकिंग सिस्टम, डोर टू डोर प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट। बहुत ही आप लोगों ने काफी अच्छे से सम अप किया, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू पुअर सेक्शन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, जैसे कि आप लोगों ने अपने अपने शब्दों में मेंशन किया, बिल्कुल ही सही है। बैंकिंग सर्विसेज अफोर्डेबल पुअर लोगों को, वीकर सेक्शन को बैंकिंग प्रोवाइड करना होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग फॉर एवरीवन भी कह सकते हैं आप इसे। वेरी वेल डन। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बैंक रेट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। अ पर्सन कैन बी प्रिज्यूम टू हैव डाइड इफ ही इज मिसिंग फॉर। तो ठीक है, यहाँ 16th क्वेश्चन को आप जाने दे सकते हैं। 17th क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन कैन बी प्रिज्यूम टू हैव डाइड इफ ही इज मिसिंग फॉर। एक पर्सन को आप कब प्रिज्यूम करेंगे कि उसकी डेथ हो गई है, जब वो कितने दिन के लिए मिसिंग होगा? 7 ईयर्स कह रहे हैं राहुल जी, और सोमनाथ जी, सोमदत्त जी, ओम प्रकाश जी, आशीष जी 1+ से भी जो जुड़े हैं, आप सभी का कहना है कि 7 साल के लिए अगर कोई इंसान जो है वो गायब है, मिसिंग है, तो नेश्वर जी कह रहे हैं 10 ईयर्स, बाकी हमारे सभी साथी कह रहे हैं कि 7 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स लोकेश जी का भी मानना है, तो यहाँ पर 7 ईयर्स जो है वो सही जवाब है। अगर कोई इंसान है, कोई पर्सन है जो कि 7 साल तक मिसिंग है, गुमशुदा है, तो आप उसे प्रिज्यूम करेंगे कि उनकी डेथ हो गई है। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स।
When does the right of nominee start in case of deposit? नॉमिनी का राइट कब स्टार्ट होते हैं डिपॉजिट के केस में, बताइए. When does the right of the nominee start in case of deposit? After death, death of depositor, after death of account holder. जी हाँ, आप सभी लोगों का लगभग सेम ही ऑप्शन है, death of account holder. जी, वेरी वेल डन. ऑन द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर्स, जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं, अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद नॉमिनी के जो राइट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे. वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब. लोन शुड नॉट बी ग्रांटेड टू अ डायरेक्टर ऑफ द बैंक अगेंस्ट वॉट, किसी बैंक के डायरेक्टर को लोन किसके बदले नहीं देना चाहिए, अगेंस्ट वॉट, बताइए. किसी भी बैंक के डायरेक्टर को लोन जो है किस चीज के बदले नहीं देना चाहिए, ग्रांट नहीं करना चाहिए. किसके अगेंस्ट, कोई सिक्योरिटी या कुछ, कोई आइडिया हो? ओन शेयर्स, प्रिय जी का कहना है ओन शेयर्स के बदले नहीं देना चाहिए. बैंक के शेयर्स के बदले, ठीक है, वेरी गुड आइडिया नितिन जी. इनका मतलब है शेयर्स, ओन शेयर्स, ठीक है. तो शेयर्स, शेयर्स ऑफ खुद के बैंक, जो डायरेक्टर हैं बैंक के, उनको बैंक के शेयर के बदले आप लोन नहीं दे सकते. तो यहाँ पर बैंक शेयर्स जो है वो सही जवाब है. ओम प्रकाश जी, आज आज के सेशन में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ओपन एंड क्वेश्चंस हैं, आपको जवाब देने हैं और आज का सेशन कुछ इसी प्रकार से चलेगा. चलिए, वेरी वेल डन. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है. इन केस ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड इज डिसाइडेड बाय. एक्सपोर्ट बिल्स के केस में जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड है वो कौन डिसाइड करता है? एनी आइडिया? एक्सपोर्ट बिल के केस में नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? सोमदत्त जी का कहना है FEDAI द्वारा किया जाता है. बाकी लोगों का क्या मानना है, फटाफट बताइए. DGFT, राजीव नयन जी कह रहे हैं कि DGFT में, DGFT करते हैं डिसाइड. सोमनाथ जी का, राहुल जी का भी कहना है DGFT. ठीक है, श्रीदेवी जी का भी कहना है DGFT, बट यहाँ पर FEDAI करते हैं. नॉर्मल ट्रांसिट पीरियड जो है वो डिसाइड किया जाता है FEDAI के द्वारा. तो यहाँ पर दिस इज द राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडवांस अंडर DRI स्कीम? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है DRI स्कीम के अंदर, अगर आप एडवांस लेना चाहते हैं तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया. शशांक जी, FEDAI का स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. चलिए, नितिन जी कह रहे हैं कि 18 साल का होना चाहिए एलिजिबिलिटी जो है, 18 इयर्स अगर आप एडवांस लेना चाहते हैं तो. 18,000 रूरल, 24,000 अर्बन इनकम होनी चाहिए, राजीव नयन जी का कहना है. वीकर सेक्शन में से होना चाहिए, 18 साल की होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 24,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. पूरे परिवार की जो इनकम है वो 24,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो वो एलिजिबल होंगे. जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने कहा, हाँ पूरी एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है, तो यहाँ पर जो एक ही पॉइंट डिस्कस किया गया कि जो पूरी फैमिली की इनकम है वो 24,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो जैसे कि आप लोगों ने भी कहा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन लोन टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस वाज हेडेड बाय.
अगर 21st क्वेश्चन आपको लगता है गलत लग रहा है तो कोई बात नहीं, पूरी एलिजिबिलिटी मैंने कहा जैसे मेंशन नहीं है तो एक ही पार्ट मेंशन है तो उसमें और भी हो सकते हैं, जब ऑप्शंस नहीं होते तो थोड़ा सा ये होता है सेशन में, बट एनीवेज आई विल राइट इट डाउन एंड आई विल सीक यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सोमनाथ जी कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा हेड की जाती है जो भी प्राइम मिनिस्टर की जो टास्क फोर्स है जो कि लोन प्रोवाइड करती है माइक्रो एंड स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को, बताना है कि कौन उसका कौन हेड करता है उसको। तो यहाँ पर नाम दिखा लिखा हुआ है जैसे कि आपने कहा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, तो ये जो नाम आपको दिया है टीके ए नायर, ये फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेक्रेटरी थे पीएम मैंने पीएम ऑफ इंडिया के, तो यहाँ पर ये हेड करते हैं ये जो प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स है लोन के लिए, तो टीके ए नायर आप नाम ध्यान रखिएगा, ये हेड करते हैं जो भी लोन दिया जाता है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को उस टास्क फोर्स को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी, इसका आंसर तो आप लोग आपके टिप्स पे होगा, फटाफट बता दीजिए आईएफएससी का फुल फॉर्म आखिर है क्या। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जैसे कि मैंने कहा रॉकेट स्पीड से आप लोग को आंसर देना चाहिए। जी हाँ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, आईएफएससी का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, वेरी वेल डन। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, MICR का फुल फॉर्म बताइएगा फटाफट, यहाँ पर हम 30 सेकेंड्स की घड़ी लगा सकते हैं क्योंकि मुझे पता है आप सभी को जवाब तो पता ही होंगे, तो हम लोग फटाफट क्लॉक लगा लेते हैं यहाँ पर 30 सेकेंड्स की। बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, सोमनाथ जी ने कहा है, राहुल जी ने भी सेम ही कहा है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, चलिए जी हाँ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर MICR का फुल फॉर्म इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फुल फॉर्म ऑफ PIN इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ATM, पिन का फुल फॉर्म बताना है आपको एटीएम के कॉन्टैक्ट में पिन का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सोमनाथ जी का कहना है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है 30 सेकेंड्स का मैं घड़ी चला रही हूँ, फटाफट बताइए। ठीक है, तो सभी लोगों का लगभग कहना सेम ही है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर बिल्कुल सही जवाब है, पिन का जो मतलब है एटीएम के केस में इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वेरी वेल डन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CKYCRR, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि CKYCRR का फुल फॉर्म बताइए, तो फटाफट बताइए क्या होना चाहिए फुल फॉर्म CKYCRR, सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री। जी हाँ राहुल जी का भी सेम ही कहना है, बाकी लोग भी फटाफट बता दीजिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CKYCRR, सेंट्रल नो योर कस्टमर रजिस्ट्री। जी हाँ, एक शब्द मिस कर दिया जितेंद्र जी ने, एक आर मिस कर दिया आपने, ठीक है सेम हियर, प्रिय जी भी कह रहे हैं कि कौन इतना टाइप करे, सेम हियर लिख देता हूँ, ठीक है सेंट्रल KYC आर, जैसे आपने कहा सेंट्रल नो योर कस्टमर रिकॉर्ड रजिस्ट्री इज द राइट आंसर, जैसे कि आप सभी ने कहा सभी जानते हैं बट काफी बड़ा है तो ठीक है लिखने में भी लगता है, तो यहाँ पर सही जवाब है, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। अब फटाफट FDI का फुल फॉर्म बता दीजिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राहुल जी सोमनाथ जी एकदम आगे पीछे में आंसर दे रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओम प्रकाश जी अजय कुमार जी का भी सेम ही कहना है FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नारायण जी जितेंद्र जी का भी यही कहना है मानना है। जी हाँ फॉरेन
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फुल फॉर्म है, सॉरी एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. वेरी वेल डन, फुल मार्क्स. व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी इन आरटीजीएस? ये टी जो है उसका क्या मतलब है आरटीजीएस में? जी टाइम 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 टाइम. ठीक है, सभी लोगों का कहना है टाइम. एक मंथ से सभी हैं टाइम के साथ. जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब. टी मतलब टी स्टैंड करता है टाइम में. आरटीजीएस में टी स्टैंड्स फॉर टाइम, जैसे कि आप सभी ने कहा. और फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. तो वेरी वेल डन. तो यहाँ पर आरटीजीएस में टी इज फॉर टाइम. इन केस क्रेडिट लिमिट इज 5 लाख, मार्जिन इज 25%, स्टॉक इज ₹6 लाख, तो उनका ड्रॉइंग पावर कितना होगा बताइए? अगर क्रेडिट लिमिट है 5 लाख रुपए और मार्जिन है 25%, स्टॉक है 6 लाख, तो कितना ड्रॉ कर सकते हैं, उनका ड्रॉइंग पावर कितना होगा? आपका कहना है 4.5 लाख रुपीज. 4.5 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख. सभी लोगों का कहना है 4.5 लाख होगा. जी हाँ, बिल्कुल सही. यहाँ पर 4.5 लाख होगा उनका ड्रॉइंग पावर, जैसे कि आप सभी ने कहा. वेरी वेल डन, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल. आज तो आप लोग सभी सवाल जो है वो सही दे रहे हैं. मिनिमम अमाउंट कितना, मिनिमम कितना रेमिटेंस हो सकता है आरटीजीएस में? शशांक जी ने फटाक से आंसर दे दिया है 2. राहुल जी कह रहे हैं 2 लाख. सोमनाथ जी 2 लाख. मिनिमम अमाउंट रेमिटेंस अंडर आरटीजीएस 2 लाख. सभी लोग एक मत से कह रहे हैं 2 लाख. जी हाँ, ₹2 लाख इज द राइट आंसर. जैसे कि आप सभी ने कहा, 2 लाख रुपीज मिनिमम आप अमाउंट ऑफ रेमिटेंस कर सकते हैं अंडर आरटीजीएस. वेरी वेल डन. फॉर एक्सचेंज ऑफ सॉलिड सॉइल्ड नोट्स ओवर द काउंटर एट बैंक ब्रांचेस, आरबीआई विल प्रोवाइड एन इंसेंटिव ऑफ. अगर आप सॉइल्ड नोट्स जो हैं वो काउंटर बैंक ब्रांचेस में देते हैं, तो आरबीआई कितने रुपए का आपको इंसेंटिव देती है? 2 पर पैकेट, ₹2 पर पैकेट. ठीक है, जितेंद्र जी, नारायण जी, राहुल जी का कहना है ₹2 पर पैकेट. जी सभी का कहना है ₹2 पर पैकेट. तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ₹2 पर पैकेट फॉर एक्सचेंज ऑफ सॉइल्ड नोट्स इन डिनोमिनेशन अप टू ₹50. 50 रुपए तक के नोट्स पर ₹2 पर पैकेट प्रोवाइड करती है. चलिए, वेरी वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट एक्टिविटीज टेकन बाय बैंक्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन? कौन सी एक्टिविटीज बैंक द्वारा की जा रही है ताकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन एस्टेब्लिश कर सके? ठीक है, डिजिटल सेट पीसी, बिजनेस करेस्पोंडेंस, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज की जा रही है. अपॉइंट एजेंट्स, जैसे कि बिजनेस करेस्पोंडेंस की बात कर रहे हैं आप लोग, डिजिटल बिजनेस करेस्पोंडेंस. ठीक है, जी हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब तो हम लोगों ने फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बिल्कुल सही कहना है आपका. मिनट. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है फाइनेंशियल सर्विसेज वीकर सेक्शन को देना एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर, डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज अफोर्डेबल कॉस्ट पर देना काफी बड़े तबके को. और ये इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, पर जैसे कि आप लोग कह रहे हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करना और एजेंट अपॉइंट करना, डिजिटल बिजनेस करेस्पॉन्डेंस करना, ये सारे ही एक्टिविटी जो है वो बैंक्स करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया. तो वेरी वेल डन. चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने. अ चेक वॉज इशूड ऑन 1 जनवरी 2013. द डेट ऑन द चेक वॉज मेंशन ऑन 31 जनवरी 2013.
The check was presented for payment on 14th जनवरी 2013. What should bank do? यहाँ पर एक चेक है जिसको 1 जनवरी को इश्यू किया गया. डेट थी चेक पर, डेट वॉज मैंशन 31st जनवरी, पर चेक जो है पेमेंट के लिए 14th जनवरी को ही प्रेजेंट कर दिया गया. इस केस में बैंक जो है वो क्या करेगा? नॉट बी पेड, आपका कहना है कि पे नहीं करेगा. नो पेमेंट, रिटर्न कर देगा. ठीक है, रिटर्न, नॉट पेड. नितिन जी कह रहे हैं नॉट पेड, प्रमोद जी भी कह रहे हैं नो नॉट पेड, नो पेमेंट. सभी ने एकदम पेमेंट डिनाई कर दिया है. तो आंसर जो है बिल्कुल सही है. बैंक शुड नॉट पे द चेक बिकॉज इट इज पोस्ट डेटेड चेक एंड पेमेंट ऑफ सच चेक नॉट ट्रीटेड एज पेमेंट इन ड्यू कोर्स. क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक है तो जैसे कि आप लोग भी कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं होगा ऐसे केसेस, पोस्ट डेटेड चेक में ड्यू कोर्स में पेमेंट नहीं किया जाता. सही जवाब है एकदम फिर से. सारे ही क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, सभी को मिलेंगे 100 out of 100. अ डिमांड ड्राफ्ट शुड बी क्रॉस्ड विद अकाउंट पे क्रॉसिंग व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट इज डैश. बताना है जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको क्रॉस किया जाना चाहिए जो भी अकाउंट पे ही है, अगर उसका अमाउंट कितना है, 20,000 एंड अबव. राहुल जी ने फटाफट बता दिया है. शशांक जी कह रहे हैं 20,000. सोमदत्त जी भी अबव 20,000. 20,000 अबव, 20,000 एंड अबव, बिलो 20,000. ठीक है, यहाँ पर 20,000 तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, बट अबव, बिलो एंड 20,000 से कम, ऐसे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं. तो 20,000 जो सही है आपका, पर अबव, बिलो एंड 20,000 एंड अबव होना चाहिए. जी हाँ, तो जैसे कि 20,000 एंड अबव आप लोग कह रहे हैं, अगर 20,000 या उससे ज्यादा है तो जो है अमाउंट, जो चेक, जो डिमांड ड्राफ्ट है उसे क्रॉस किया जाएगा अकाउंट पे के द्वारा. वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का फिर से. There is the FDR in the joint name of A and B payable to either or survivor. S has been appointed as nominee. A has died. On due date of FDR, B present the FDR for payment, whereas legal heirs of A also have submitted the claim for the amount. Whom should bank pay? यहाँ पर FDR है joint name पर A और B के, जो या तो either or survivor को payable है. पे तो बी को होगा, आप लोग कह रहे हैं पेमेंट शुड बी डन टू बी. एस अपॉइंट किया गया है नॉमिनी, ए की डेथ हो गई है. ऑन ड्यू डेट बी ने प्रेजेंट किया है एफडीआर, जबकि लीगल हायर्स जो है ए के, उन्होंने भी क्लेम किया है. तो आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर किसको पे करना चाहिए? तो आप सभी का कहना है कि बी को पेमेंट होना चाहिए. पेमेंट शुड बी डन टू सर्वाइवर. जी हाँ, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं सर्वाइवर जो है बी, उनको पेमेंट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है. सर्वाइवर will get the amount, उनका claim clear होगा. Very well done, फिर से सही जवाब. आपको बताना है compensation क्या है mental agony का. What is the compensation of mental agony? फटाफट बताइए. नारायण जी, सोमदत्त जी कह रहे हैं कि 1 lakh rupees. 1 lakh, अमित जी का भी कहना है, अजय जी का भी कहना है 1 lakh. 1 lakh, 1 lakh, नितिन जी का भी कहना है 1 lakh. जी हाँ, सही जवाब है. कंपनसेशन जो है वो 1 lakh rupees है, अगर किसी को मेंटल अगोनी है तो. करेक्ट आंसर इज रुपीज 1 lakh, जैसे कि आप सभी ने कहा. वेरी वेल डन. इन केस ऑफ एडवांसेस कवर्ड अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवर फॉर लोन्स मोर देन रुपीज 5 lakh बट अप टू रुपीज 50 lakh. क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, उसमें कितने, क्या है एक्सटेंट गारंटी कवर का? अगर लोन 5 lakh rupees, 5 lakh से ऊपर हो और अप टू 50% हो, 50 lakh हो सॉरी. तो राहुल जी का कहना है 80% होगा एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवर. नारायण जी कह रहे हैं कि 75% होगा. ठीक है, नितिन जी कह रहे हैं 85% होगा. और बाकी लोगों को क्या लगता है? 75%, 80%. ठीक है, मोर देन 5 lakh अप टू रुपीज 50 lakh की बात हो रही है यहाँ पे. 50 lakh से ऊपर 75% कह रहे हैं राहुल जी, अप टू 37.50. घनश्याम जी का कहना है कि 37.50 होगा. पर ठीक है, आप लाख बता रहे हैं यहाँ पर,
कितने परसेंट में बता दीजिए, कितने परसेंट में होगा? और बाकी लोगों को क्या लगता है, व्हाट व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवर? 80, ठीक है, तो 80 लगभग पास है, पर यहाँ पर 85% जो है वो सही जवाब है. 85% और इन द अमाउंट इन डिफॉल्ट इट इज फॉर द यूनिट्स अदर देन बाय वुमेन बेनिफिशियरी और इन नॉर्थ ईस्ट. तो 85% इन द अमाउंट इन डिफॉल्ट एक्सटेंट में होगा, और ये वुमेन बेनिफिशियरी या नॉर्थ ईस्ट के अलावा के बारे में है. तो यहाँ पे सही जवाब इज 85%. चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर. विच ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल बाय आरबीआई फॉर बैंकिंग लाइसेंसेस? कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है आरबीआई के द्वारा बैंकिंग लाइसेंसेस के लिए? बताइए विच ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल बाय आरबीआई फॉर बैंकिंग. बैंकिंग कंपनी, राहुल जी का कहना है बैंकिंग कंपनीज को दिया गया है. चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो आंसर क्या है. यहाँ पर आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है उनको इन प्रिंसिपल का अप्रूवल दिया गया है आरबीआई द्वारा फॉर बैंकिंग लाइसेंसेस. आईडीएफसी लिमिटेड एंड बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. आईडीएफसी लिमिटेड एंड बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. चलिए, अ पर्सन विल बी कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन इफ हिज और हर एज इज व्हाट? किसी इंसान को आप सुपर सीनियर सिटीजन कहलाएंगे अगर उनकी एज कितनी हो, तो अबव 80 इयर्स, अबव 70, 80+, 80, ठीक है, काफी मिक्स आंसर्स हैं. 80 इयर्स, अबव 80, अबव 75, ठीक है, 80 एंड अबव 75, काफी मिक्स है. यहाँ पर सही जवाब जो है आपका 80 इयर्स एंड अबव है. 80 साल या उससे ऊपर के उम्र 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 उम्रदार लोगों को आप सुपर सीनियर सिटीजन कहेंगे. चलिए, इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स एग्जेम्पशन इज अवेलेबल अप टू इनकम ऑफ. अगर सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन उनको अप टू इनकम कितना मिलेगा? सोमदत्त जी का कहना है 50,000, नितिन जी का भी कहना है 50,000, ओम प्रकाश जी का भी कहना है 50,000, दीपक जी भी कह रहे हैं 50,000, प्रमोद जी, राहुल जी, अजय कुमार जी कह रहे हैं 3 लाख, वन प्लस नाम से जो जुड़े हैं 50,000, विनय जी भी 50,000 कह रहे हैं, 50K. तो यहाँ पर 5 लाख रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर उनको एग्जेम्पशन मिलेगा अप टू द इनकम ऑफ ₹5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर. तो जब उनकी अगर इनकम ₹5 लाख तक है तो उनको इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन अवेलेबल रहेगा अप टू इनकम ऑफ 5 लाख, 5 लाख की सालाना इनकम तक हर फाइनेंशियल ईयर में, अप टू ₹5 लाख. चलिए, इन विच ईयर फर्स्ट आरआरबी वाज सेट अप? कौन से साल में पहला रीजनल रूरल बैंक सेट अप किया गया था? बताना है कौन से साल में, 1967, 1976, 1975, 1976, 1975, ठीक है, और 1967 भी था हमारे पास, 75, 76, पर तीन चार कुछ साथी कह रहे हैं 1976, एक दो कह रहे हैं 1975, दिनेश्वर जी कह रहे हैं 1976, दीपक सक्सेना जी कह रहे हैं 1075. ओके, तो चलिए यहाँ पर 1975 जो है सही जवाब है. पहला आरआरबी का सेटअप हुआ था 1975 में, तो यहाँ पर 1975 इज द राइट आंसर. तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट आरआरबी जो है 1975 में किया गया था.
व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर अ डिमांड प्रोमिसरी नोट? एक डिमांड प्रोमिसरी नोट का जो है वो लिमिटेशन पीरियड कितना है? प्रिय जी का कहना है 3 इयर्स, 3 इयर्स, 3 इयर्स. प्रमोद जी का भी कहना है 3 इयर्स, और बाकी साथियों का भी कहना है कि 3 इयर्स है. थ्री इयर्स. आप में से एक कह रहे हैं कि सभी का जवाब जो होगा नींद में भी सही होगा. 3 इयर्स फ्रॉम द डिमांड, फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड ऑफ प्रॉमिसरी नोट, जैसे कि आप लोगों ने कहा 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डीपीएन. वेरी वेल, वेरी वेल डन, सही जवाब. चलिए अगला प्रश्न आ गया है. द प्रोसेस वेयर बाय द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर ट्रांसफॉर्म्ड इंटू ऑस्टेंसिबली लेजिटिमेट मनी थ्रू बैंक्स इज कॉल्ड. ऐसी प्रोसेस जहां पर जो भी प्रोसीड्स है क्राइम के वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ऑस्टेंसिबली लेजिटिमेट मनी में थ्रू बैंक्स, उसे क्या कहा जाएगा? बताइए. साइबर क्राइम. राहुल जी का कहना है साइबर क्राइम कहा जाएगा. मनी लॉन्ड्रिंग. अमित जी का कहना है मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाएगा. व्हाइट मनी कहा जाएगा. लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल सही जवाब है. उन्हें उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाएगा. ऐसी कोई भी प्रोसेस में जहाँ पे गलत तरीके से किया गया पैसा अगर आप थ्रू बैंक्स लेके आ रहे हैं, उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाएगा. वेरी वेल डन. विच फॉर्म इज टू बी यूज्ड बाय डिपॉजिटर फॉर कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन इन डिपॉजिट अकाउंट? किस कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा डिपॉजिटर द्वारा अगर वो कैंसिल करना चाह रहा है नॉमिनेशन अपने डिपॉजिट अकाउंट्स में? तो DA2 फॉर्म, DA2, जैसे कि आप सभी कह रहे हैं फॉर्म DA2, 45Z DA2. श्रीदेवी जी कह रही हैं, सभी लोग कह रहे हैं DA2, जो कि बिल्कुल सही जवाब है. DA2 फॉर्म का इस्तेमाल कर जाएगा अगर जो है कैंसिलेशन करना चाहे नॉमिनेशन का. वेरी वेल डन, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. एज पर सेक्शन 107 एंड 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अ पर्सन कैन बी प्रिज्यूम टू हैव डाइड इफ ही इज रिपोर्टेड मिसिंग फॉर. सेक्शंस दिए गए हैं यहाँ पर 107 और 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. एक किसी भी पर्सन को आप लोग डाइड मानेंगे अगर वो कितने टाइम से मिसिंग है. तो 7 इयर्स, सभी का एक मत से कहना है 7 साल के लिए मिसिंग होगा तो उसे आप लोग डाइड मानेंगे. थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा. तो सभी का सही जवाब है. वेरी वेल डन, 7 इयर्स इज द राइट आंसर. जैसे कि आप सभी ने कहा, व्हेन ऑन अ फार्म विथ क्रॉप प्रोडक्शन रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक और सम अदर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रैक्टिसेस लाइक पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, बी कीपिंग एक्सेट्रा इज अडॉप्टेड, देन द सिस्टम ऑफ फार्मिंग इज नोन एज. जब एक फॉर्म पर खेती के साथ साथ लाइव स्टॉक मतलब कि भेड़ बकरी के साथ साथ आप पोल्ट्री कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, बी कीपिंग कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को आप क्या कहेंगे? इस सिस्टम को जो है वो किस नाम से जाना जाएगा? मिक्स फार्मिंग, एलीड एक्ट, हॉर्टिकल्चर. आप में से सोमदत्त जी, श्रीदेवी जी का कहना है मिक्स फार्मिंग, एग्री बिजनेस, एलीड एग्री, मिक्स फार्मिंग. ठीक है, समलेखित कृषि, ठीक है, अलाइड एक्टिविटी, मिक्स्ड एग्रीकल्चर. ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग का मानना है मिक्स फार्मिंग कहा जाएगा जब ना कि सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा हो उसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्शन, पोल्ट्री, बी कीपिंग सब चीजें हो, तो उसे आप लोग मिक्स फार्मिंग कहेंगे, जैसे कि आप लोगों ने कहा. वेरी वेल डन, फुल मार्क्स. द टाइप ऑफ चार्ज ऑन गुड्स इन विच पोजेशन विद बैंक इन ओनरशिप इज विद बोरोवर इज कॉल्ड. ऐसा टाइप कौन सा चार्ज है जहां पर जो गुड्स हैं वो पोजेशन बैंक के पास रहता है पर ओनरशिप जो बोरोवर के पास रहती है, उस टाइप को आप क्या कहेंगे? हाइपोथेटिकल कह रही है श्रीदेवी जी. बाकी साथी कह रहे हैं पारमिता जी, जितेंद्र, पारमिता जी कह रही है प्लेच, शशांक जी भी कह रहे हैं प्लेच, कुछ साथी कह रहे हैं हाइपोथेटिकेशन, बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्लेज. हाइपो और प्लेज में कंफ्यूजन है बट यहाँ पर ये जो है प्लेज का केस है.
प्लेज कहा जाएगा। ठीक है, वेरी वेल डन, सभी ने बिल्कुल दिया है सही जवाब। प्लेज इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मटेरियल अल्टरेशन। अब ऑप्शंस है नहीं, ये शायद थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन से जो ऑप्शंस है उसमें वो मटेरियल मटेरियल अल्टरकेशन में नहीं आएंगे। आप बता सकते हैं अपने यहाँ से। क्रॉसिंग, जी हाँ बिल्कुल सही, क्रॉसिंग, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक, क्रॉसिंग, टू ऑर्डर, टू क्रॉस, जी हाँ मटेरियल अल्टरकेशन में। अगर आप क्रॉसिंग भी जो है नहीं आएगा मटेरियल अल्टरकेशन में, और चेंजिंग कर रहे हैं बियरर टू ऑर्डर चेक, ये भी नहीं आएगा, जो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं थे, बट हाँ क्रॉसिंग इज ऑल्सो द राइट आंसर, और चेंजिंग बियरर टू ऑर्डर चेक भी जो है सही जवाब है। तो चलिए वेरी वेल डन, आप लोग सही मार्ग पे ही हैं। ऑप्शंस नहीं है तो ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बट हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। हम लोग बातों ही बातों में क्वेश्चंस देखते देखते 49th क्वेश्चन पहुंच गए। कैश रिजर्व रेशियो इज मेंटेन्ड एज परसेंटेज ऑफ। कैश रिजर्व जो रेशियो है वो किस परसेंटेज मतलब मेंटेन किया जाता है, परसेंटेज ऑफ आपको बताना है। NDTL शशांक जी कह रहे हैं 4.5, अमित जी कह रहे हैं 4, 4.5, NDTL 4.5 ऑफ NDTL, जी हाँ आप लोग का कहना है 4.5 NDTL। ठीक है, सभी लोगों का जैसे कहना है 4.5। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के परसेंटेज में NDTL, जैसे कि आप लोगों ने कहा 4.5 NDTL इज द राइट आंसर, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। चलिए आज का जो है हमारा आखिरी प्रश्न है, तो सभी लोग जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का तो अच्छा रहेगा। अ पर्सन टेकिंग टेक अ पर्सन टेकिंग इज चेक क्रॉस्ड जनरली और स्पेशली बियरिंग इन ईदर केस द वर्ड्स डैश शेल नॉट बी एबल टू गिव अ बेटर टाइटल टू द होल्डर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर। अ पर्सन टेकिंग चेक क्रॉस्ड, एक पर्सन है जो चेक ले रहा है क्रॉस्ड, चाहे जनरली हो या स्पेसिफिकली हो, इधर केस में डैश शैल नॉट बी एबल टू गिव अ बेटर टाइटल टू होल्डर। तो वो कौन किस केस में जो होल्डर है उसको टाइटल नहीं दे पाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट मतलब कंफ्यूज है। अकाउंट पे चेक ऑन ड्यू कोर्स, ठीक है अकाउंट पे आप लोग दे रहे हैं आंसर्स, ड्यू कोर्स अकाउंट पे। ठीक है अकाउंट पे ड्यू कोर्स, ठीक है मटेरियल इंडोर्स, ठीक है यहाँ पर वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल नॉट बी एबल टू गिव अ बेटर टाइटल टू द होल्डर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नॉट नेगोशिएबल अगर लिखा रहेगा तो वो नहीं एबल होगा एक बेटर टाइटल देने के लिए होल्डर को देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर। तो यहाँ पर नॉट नेगोशिएबल का अगर इस्तेमाल होगा तो वो नहीं होगा बेटर टाइटल होल्डर के लिए एज अ ट्रांसफरर। तो यहाँ पर दिस इज द आंसर। तो आज की हमारी यही कुछ क्वेश्चंस थे, आपको अगर किसी क्वेश्चन में, और आज का जो है हमारा यही लास्ट सेशन होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन से जुड़ने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक, एंड अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी बहुत बहुत वेलकम है। आप लोग बता सकते हैं कि आप अगर आप कुछ सेशन कुछ कमिंग सेशन के लिए कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वी आर ओपन टू हियर। नेक्स्ट सेशन में आप अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो जरूर बताइए। और आज का जो हमारा कोट है ये कह रहा है कि कल से करेंगे यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। तो यहाँ पर कल कर लेंगे वाला जो वाक्य है वो हमको बिल्कुल नहीं वो करना है यूज, और तभी हम लोग फटाफट सक्सेस की स्टेयर्स को क्लाइंब कर लेंगे। तो
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए। देखिए अजय कुमार जी, जरूर हम लाएंगे, बट ये हम लोग जनरल बैंकिंग के क्वेश्चंस ला रहे हैं, तो ताकि जो सारे ही आप लोग डिफरेंट डिफरेंट बैंक से, सभी के काम आए, तो जरूर हम आपके आपके बैंक से रिलेटेड भी लाएंगे, जिन जिनके एग्जाम से जरूर यू विल गेट स्पेशल सेशंस। थैंक यू सो मच आप सभी को, एक बार फिर से धन्यवाद। और अगर आपके पास कुछ सजेशंस हो तो आप लोग हम लोगों से शेयर कर सकते हैं, बाद में हमें लिख भी सकते हैं। तब तक आप मैडम लोग अपने मैडम मैडम, मैं भी जी कहना चाहता कुछ है। राजेश जी कुमार जी पंजाब से, जी ते जी अब आप जी बैलेंस शीट अपना तुहानू भेज दिती हो या सर नू अपना पासवर्ड भी देता है, तो तुसीं ओह कढ के जी साडे क्वेश्चन बना के सानू द्वारा तैयारी करा। साडा 2nd वीक अप्रैल दी हैगा एग्जाम, सानू जी जी तैयारी करा जी दिती हो सेकेंड गया। वीक, जी 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 हाँ जी सेकेंड वीक में है ना आपका एग्जाम्स, हाँ ठीक है। जी मॉक इंटरव्यू सेशंस के लिए राजीव नयन जी का भी कहना है, ये सब आपके सजेशंस में इसलिए पूछ रही हूँ ताकि वी कैन नोट जॉट इट डाउन, और फिर हम आपको उसी हिसाब से सेशंस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच आप लोगों के सुझावों के लिए, हम लोग जरूर और ऐसे मैडम मैं एक चीज जी होर कहना चाहता, प्लीज भी तुहाडा जिहड़ा पढ़ाउण दा स्टाइल है सब तो वधिया लग्गा मैनूं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरी मेहनत सफल है। थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही अपने लॉग इन जिदा तुसी पढ़ाते हैं ना, सानू जी नोट्स बनाने की लोड़ नहीं हैगी, सिर्फ गल्लां बातां जी सब कुछ सीख जाना सी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट ऑफ यू। अच्छा लगा मुझे आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने पेशेंटली कभी हमारे सेशंस में जुड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर से बहुत बहुत थैंक यू। तो आज का सेशन जो है हम यही एंड करते हैं। थैंक यू आप सभी के सजेशन के लिए, फीडबैक के लिए। आप लोग अपने चैट सेक्शन में ऐसे ही पढ़ते रहिए, और कल मतलब फिर से सेशंस में जुड़िएगा ऐसे ही। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।